अभी हमने जो पहले दो पार्ट पढ़े उसमें देखा कि किस तरीके से अलगू चौधरी द्वारा लिए हुए फैसले से जो जुम्मन शेख थे और अलगू चौधरी थे उनकी जो दोस्ती थी वो पूरी तरह से टूट गई, इतनी ज्यादा कि अब दोनों जो है एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद कर रहे थे और जुम्मन शेख चाह रहे थे कि वो जो है किसी तरह से अलगू चौधरी से बदला ले लें। अब हमारा ये जो तीसरा पार्ट है इसमें क्या बताया गया है कि दिन गुजर गए और ऐसा नहीं होता कि हर एक के साथ किस्मत हमेशा अच्छी ही चलती हो, कभी किस्मत जो है पलटती भी है। अब इस बार परेशानी किसको हुई, अलगू चौधरी को। अलगू चौधरी के पास बैल की एक जोड़ी थी जिसमें एक बैल जो है वो मर गया। अब मजबूरी में उन्हें जो है एक ऐसे ही गाड़ी चलाने वाले को, गांव के समझू साहू जिसका नाम था, उन्होंने उसको अपना बैल बेच दिया। समझौता किस बात पे हुआ कि जो साहू है यानी जो समझू साहू है वो बैल की कीमत जो है एक महीने के समय में उनको चुका देंगे, ताकि उनका जो भाई एक बार में अगर पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हो तो तुम हमारे बैल को ले जाओ, बैलगाड़ी चलाओ, उससे जो भी कमाई हो उससे एक महीने में तुम हमारा पैसा हमको दे देना। पर हुआ क्या, एक महीने के अंदर वो जो बैल था वो भी मर गया। काफी महीने गुजर चुके थे, बैल का जो है मर गया था। अलगू ने जो है साहू को बोला कि भाई तुमने मेरे को जो है पैसे नहीं दिए। अब समझू साहू को तो बहुत गुस्सा आ गया, उसने कहा तुम ऐसे ये जो खराब सा बैल लाए थे जिसमें जो बीमार था मैं उसके लिए तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, इसने मुझे कोई फायदा तो किया नहीं उल्टा और मेरा नुकसान कर दिया। मेरे पास भी एक बैल है, उसे एक महीना इस्तेमाल कर लो और फिर मुझे वापस कर देना, पर मरे हुए बैल के लिए मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। और वो बहुत गुस्से में बोलने लग गया। अब अलगू को जो है इस बात का सुन के बड़ा बुरा लगा, उसने कहा क्या करूं। तो उसने भी सोचा क्यों ना मैं अपनी शिकायत जो है पंचायत के पास ले जाऊं, और उसने फैसला किया कि वो भी जो है अब जो है पंचायत के पास जाएगा। कुछ ही महीनों के अंतराल में अब दोबारा पंचायत बिठाई गई जिसमें दोनों ही जो तरफ के लोग थे वो पब्लिक से अपना सपोर्ट इकट्ठा करने लग गए। होता है ना कि आपके फेवर में बोलेगा कोई कि हाँ तुम सही हो या तुम गलत हो, तो इस तरह से दोनों के दोनों जो है अपने लिए समर्थन जुटाने लग गए। फिर पंचायत जो है उसी पेड़ के नीचे जो है बरगद के बिठाई गई। अब अलगू खड़ा हुआ, उसने फिर यही कहा कि जो पंचों की आवाज होती है वो भगवान की आवाज होती है, और इस बार जो है समझू साहू बताएगा कि किसको सरपंच बनाया जाए, जिसको भी वो सरपंच चुनेगा मुझे उसका फैसला मंजूर होगा। समझू साहू को जो है मौका मिल गया, उसने क्या किया, जुम्मन का नाम सजेस्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि दोनों के बीच में बहुत गहरी लड़ाई हो चुकी है और अब क्या होगा, जुम्मन जो है अलगू चौधरी के फेवर में केस को जो है जरा सा भी नहीं करेगा, वो तो पक्का समझू साहू का ही साथ देगा। अब जहां अलगू ने जुम्मन का नाम सुना उनका तो एक तरह से दिल बैठ गया, चेहरा पीला पड़ गया। क्या वो करे तो क्या करे, उसे पक्का पता था कि जुम्मन में से इस बार जरूर बदला लेगा। अब जैसे ही जुम्मन जो है सरपंच बना उसे एकदम से एहसास हुआ कि जैसे मानो कोई वो जज है, उसकी एक जिम्मेदारी है, एक मर्यादा होती है उस जगह पर बैठने की। अब वो इतनी ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो क्या इस टाइम पे वो बदले के बारे में सोचेगा, वो सोचता रहा। अब अलगू के मन में ये आ रहा था कि वो ऐसी जगह पे बैठा हुआ है, शायद यहाँ पर वो जो है अपने खुद के जो एक पर्सनल विचार हैं उनको शायद ना बीच में आने दे, और हो सकता है वो सच का साथ दे और न्याय पर पूरी तरह से करे। अब दोनों ने, समझू साहू ने और अलगू चौधरी ने, अपनी अपनी बातों को सामने रखा, फिर दोनों से अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए और ध्यान से जो है उस केस को सुना गया। फिर जुम्मन खड़ा हुआ और उसने कहा कि हमारी नजर में जो साहू है उसे अलगू को बैल की कीमत देनी चाहिए, क्योंकि जब साहू ने बैल खरीदा था तब उसमें ना तो कोई परेशानी थी, ना बैल को कोई खराबी थी, ना उसको कोई बीमारी थी। बदकिस्मती है कि बैल मर गया, इसके लिए अलगू जिम्मेदार नहीं है। अलगू की तो ये हालत हो गई जैसे उसके जो भावनाएं थी वो रोक ही नहीं पा रहा था। वो जोर से जल्द खड़ा हुआ, चिल्ला के बोला कि सरपंच की विजय हो, यही न्याय है, सरपंचों के जो आवाज होती है उसमें भगवान की आवाज होती है। फिर उसके बाद जो जुम्मन थे वो अलगू के पास आए, उनको गले लगाया और कहा कि पिछली बार जब तुमने मेरे खिलाफ जो है पंचायत में फैसला लिया था उस दिन मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था,
लेकिन आज जब मैं उसी जगह पे बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि पंच का मतलब क्या है। पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, उसको सिर्फ पता है कि न्याय करना है। इसलिए जब भी कोई पंच बने तो उसे न्याय के और सच्चाई के रास्ते से इधर उधर नहीं भटकना चाहिए अपनी दोस्ती या दुश्मनी की वजह से। अलगू ने जो है अपने दोस्त को गले से लगा लिया और रोने लग गया। एक तरह से कहना चाहिए आंसू जो बहे उसमें उनके बीच की जो गलत फहमी थी वो भी एक तरह से बह गई और फिर वो दोनों जो है अच्छे दोस्त बन गए। तो ये थी हमारी कहानी। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असा एजुकेशन। बाय।